सूचना पर दो लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। एक है अमित सोनी, ये गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे, और दूसरे हैं कृष्ण प्रताप सिंह, ये जिला बदर हुआ था इनका, और जिला बदर होने के बावजूद ये हमारे ही जनपद में प्रवास कर रहे थे। सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान उन दोनों के पास से एक एक तमंचा बरामद किया गया है। इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैकग्राउंड क्या है इन दोनों का? बैकग्राउंड, दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अमित सोनी के खिलाफ कुल 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और कृष्ण प्रताप के ऊपर भी एक मुकदमा पंजीकृत है, और इन्हीं में जो है इनकी ये वांछित चल रहे थे, इनका जिला बदर हुआ था और इसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर दो लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। एक है अमित सोनी, ये गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे थे, और दूसरे हैं कृष्ण प्रताप सिंह, ये जिला बदर हुआ था इनका, और जिला बदर होने के बावजूद ये हमारे ही जनपद में प्रवास कर रहे थे। सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान उन दोनों के पास से एक एक तमंचा बरामद किया गया है। इस संबंध में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बैकग्राउंड क्या है सर इन लोग का? इन दोनों का बैकग्राउंड, दोनों अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, इनके ऊपर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अमित सोनी के खिलाफ कुल 6 मुकदमे पंजीकृत हैं और कृष्ण प्रताप के ऊपर भी एक मुकदमा पंजीकृत है, और इन्हीं में जो है इनकी ये वांछित चल रहे थे, इनका जिला बदर हुआ था और इसमें इनको गिरफ्तार किया गया है।